हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज के जो ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ, दिन के समय से कर रहा हूँ, ये मेरा तीसरा ब्लॉग है। कारण आप लोगों को पता है, आप लोग पीछे देख सकते हैं, आज जो ये बारिश हुई है, बारिश मेरे गांव में की सुंदरता दिव्य और अलौकिक सी हो जाती है, जो देखते ही बनती है। जो पेड़ पौधे धूप में मुरझाए हुए से लगते हैं, बारिश के तुरंत बाद ऐसा लगता है मानो एकदम से हरे भरे हो गए हों। ऐसा प्रतीत होता है मानो कुदरत ने अपनी सारी सुंदरता इन पहाड़ों में बिखेर दी हो। आप देख सकते हैं ठीक सामने चूड़धार का दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य है। मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों, ये देखिए ठीक सामने चूड़धार, मंत्रमुग्ध कर देने वाले पहाड़, पेड़ पौधे, हरियाली, सुंदरता। पहाड़ का जीवन जितना कठिनाई भरा हुआ होता है, उतना ही पहाड़ी लोग प्रकृति के नज़दीक भी होते हैं। प्रकृति की यह सुंदरता प्रकृति प्रेमियों को एकदम ही अपनी ओर आकर्षित करती है। चीड़ के ये बड़े बड़े पेड़, इनको देखकर ऐसा लगता है इनके बीच में बैठकर घंटों बिता दें। बारिश के बाद मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। पेड़ पौधों को और पहाड़ों को देखकर बरबस ही लोग इसकी ओर आकर्षित होकर यहाँ आने के लिए ललायित रहते हैं। और यहाँ आने के लिए इस तरह के बुरांस के फूल, ये लोगों को एक बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पहाड़ों में बुरांस बहुत ही अच्छी तरह से खिले हुए हैं, जो एक बहुत ही सुंदर फूल है। ये देखिए दोस्तों, मेरे लहसुन इश्ना होने की वजह से सूख चुके थे, अब एकदम से खिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।